नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी थाली में नियमित रूप से स्प्राउट्स मौजूद होते होंगे। इन छोटे अंकुरित बीजों में उच्च विटामिन और खनिज की भरमार होती है, जो इसे न्यूट्रिशन का पावर हाउस बनाता है। ये कैलोरी में कम, प्रोटीन, फोलेट, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज और विटामिन सी और के से भरपूर होते हैं। स्प्राउट्स को जिस तरह से तैयार किया जाता है वो इसे और भी ज्यादा पौष्टिक बना देता है, इसलिए ये फिटनेस और वजन घटाने के बीच ज्यादातर पसंदीदा स्नैक आइटम है। वहीं जिन लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि स्प्राउट्स को कच्चा खाएं या पकाकर, तो आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। कच्चे स्प्राउट ज्यादातर ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे हानिकारक बैक्टीरिया की उपस्थिति के कारण फूड पॉइजनिंग से जुड़े होते हैं। बीन्स और सीड्स ज्यादातर गर्म और नम स्थितियों में अंकुरित होते हैं, जो ऐसे बैक्टीरिया के विकास के लिए बिल्कुल सही है। ज्यादातर लोग स्प्राउट्स खाने के 12 से 72 घंटे बाद दस्त, पेट में ऐठन, उल्टी जैसे फूड पॉइजनिंग के लक्षण अनुभव करते हैं। ये लक्षण शायद ही कभी घातक होते हैं, लेकिन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के मामले में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो कच्चे स्प्राउट्स पके हुए स्प्राउट्स की तुलना में पचाने में भी मुश्किल होते हैं। वहीं ज्यादा मात्रा में कच्चा स्प्राउट्स खाने से इसमें मौजूद लिस्टीरिया नामक बैक्टीरिया किडनी पर बुरा असर डाल सकते हैं। वहीं बहुत से लोग रोजाना कच्चे स्प्राउट्स का सेवन करते हैं और फिर भी उन्हें कभी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि आपकी सुरक्षा के लिए पैन में थोड़ा सा तेल डालें और स्प्राउट्स की बैक्टीरिया को मारने के लिए थोड़ी देर के लिए हिलाएं या फिर नमक के पानी में 5 से 10 मिनट तक उबालें। इस तरह पकाकर खाने से आपके पाचन तंत्र और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए और भी बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।